फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक फेशियल, होममेड फेशियल के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में घर पे फेशियल कैसे करें, आप ये इस वीडियो के दौरान जानेंगे। क्योंकि अभी ब्यूटी पार्लर बंद है, लॉकडाउन में कोई कहीं भी ब्यूटी पार्लर खुला हुआ नहीं है, और अगर खुला हुआ भी है तो तब भी आप लोग मत जाइए, घर पे ही अपना खुद से बनाया हुआ फेशियल कीजिए। क्योंकि अभी आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वहाँ पे ये वो अनसेफ है, क्योंकि वो लोग उतना सेफली आपको नहीं रखेंगे जितना आप घर पे खुद सेफ होकर एक अच्छा सा ग्लोइंग फेशियल खुद से घर पे कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए फेशियल के बाद? आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं कि आपका चेहरा ग्लो करे, तो घर पे ही बना हुआ फेशियल आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होममेड है, केमिकल फ्री है, आपका चेहरा को इंस्टेंट ग्लो आएगा। आप खुद रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे इस फेशियल को करने के बाद। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब फेशियल स्टार्ट करते हैं। इससे ज़्यादा वीडियो अगर लेट हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं घर पर ही फेशियल बनाना। स्टेप हम लोग का है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हम लोग को कच्चा दूध चाहिए होगा और हनी। इसे थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लीजिए। ये आपको बहुत फेशियल बहुत 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 अच्छा इफेक्ट देगा, इंस्टेंट रिजल्ट देगा। आप एक बार करके देखें, बिलीव मी गाइस, आपको इतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा चेहरा पे, आप खुद चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जिस तरह आपको फेशियल बाहर का करने के बाद आपको मतलब कि रिजल्ट दिखता है, वो ठीक वैसे ही आपको इस होम रेमेडी फेशियल से मिलेगा। पर यही है कि वो थोड़ा केमिकल का है और ये वो बाद में आपको नुकसान करेगा, लेकिन होममेड कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, ग्लो भी वैसा ही देगा। तो आपको पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अच्छे से क्लीन कर लीजिए अपने फेस को कॉटन की हेल्प से। गाइज, मैंने कच्चा ही मिल्क यूज़ किया है, तो आप कोशिश करें कच्चा ही मिल्क यूज़ करने का। अगर नहीं है घर पे अवेलेबल तो आप बॉयल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चा बचा हुआ दूध फेंकिएगा मत, उसका भी बाद में भी यूज़ होगा। ये देखिए गाइस, कितना गंदा निकला है मेरे फेस से। हो गया, अब मैं आप लोगों को स्क्रब करना बताती हूँ कि घर स्क्रब कैसे करना है। स्क्रब के लिए हम लोग को ओट्स चाहिए होगा। अगर आपके घर पे ओट्स नहीं है तो आप लेमन शुगर और हनी का भी स्क्रब कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। आपको स्क्रब कोई भी करना है कर सकते हैं, आपको जैसा सूट करता है स्क्रब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ ओट्स ही लेना है, उसका भी वही इफेक्ट आएगा। देखिए ओट्स है, ओट्स में हमें हनी मिक्स करके करना है। तो मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स किया है, देन इसमें ओट्स मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए गाइस। आप ओट्स को थोड़ा क्रश करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे पहले से ही क्रश करके रख लिया है। मैं स्क्रब करती हूँ इसका, मैं बहुत सारा स्क्रब यूज़ करती हूँ, जो मुझे सूट करता है, ये मुझे सूट करता है, इसलिए मैं ये स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट ही आपको ये करना है, ज़्यादा इससे लगड़ना नहीं है फेस पे। एकदम हल्के हाथों से आप अपने स्क्रब करें, नोज़ पे ज़्यादा करें। दो से तीन मिनट ही आप स्क्रब कीजिए, इस तरह स्क्रब करें। 2-3 मिनट अच्छे से करें स्क्रब, नोज़ एरिया में करें स्क्रब। बिलीव मी गाइस, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक बार आप यूज़ करके तो देखें। गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैंने नया बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, मुझे आता नहीं था पहले समझ में, अब मैंने हल्का हल्का सीख कर कोशिश किया है। अपने जो भी मैं टिप्स यूज़ करती हूँ आप लोग को बताऊँ,
और जो आपको रिजल्ट देगा मैं वही टिप्स आप लोगों को बताती हूँ। हो गया, मैं आप लोगों को तीसरा स्टेप बताऊंगी, वो है पैक। तो गाइस चलते हैं, पहले मैं इसे पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ पैक के बारे में। मैं इसे पूछ लेती हूँ, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा स्क्रब करने के बाद। आप इसे डेली यूज़ भी कर सकते हैं गाइस, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज, मतलब कि ये सिर्फ आप एक दिन कर सकते हैं, कहीं जाना है तब कर सकते हैं, इसे आप रोज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब मन तब कीजिए। अच्छे से क्लीन मैंने कर लिया है, ये पैक लगाने के बाद साफ़ हो जाएगा अच्छे से। देखिए गाइस मेरा स्किन साफ़ होते ही जा रहा है, आपको एक चौंकाने वाला रिज़ल्ट मिलेगा, मैं तो आपको कह रही हूँ, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये पैक आपको इतना अच्छा इफेक्ट देगा। अब दूसरा पैक का इंग्रेडिएंट्स है हमारा थर्ड, उसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन, एलोवेरा जेल, वन स्पून ले लीजिएगा एलोवेरा जेल, इसमें मुझे गुलाब जल मिक्स करना है, गुलाब जल, इतना डालिएगा गुलाब जल कि अच्छा सा एक पैक बन जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप चाहो तो इस पैक में भी हनी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा ही ये पैक आपको देगा इफेक्ट। आपको बेसन का पैक एकदम पतला ही लेयर पे लगाना है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। जहाँ स्पॉट से वहाँ ज़्यादा करके लगाइए, इससे आपका टैन रिमूव भी हो जाएगा, एक अच्छा सा फेशियल वाला ग्लो आ जाएगा आपके फेस पे। तो इसे आपको 10 से 15 मिनट अपने फेस पे रखना है, और सूख जाने के बाद आप इसे पोंछ लें। तो गाइस चलिए वेट करते हैं इसका सूखने का। गाइस मेरा ये पैक सूख गया है, मैंने इसे हल्का सुखाया और थोड़ा बहुत मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इसे रब करके निकालना है। तो गाइस देखिए इस पैक को आप लोग को इस तरह रिमूव करना है, अच्छे से स्किन पे मलते हुए आप इसे रिमूव कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे गाइस मेरे चेहरे पे ग्लो, एक इंस्टेंट ग्लो आ गया है। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस फेशियल को करने के बाद आप सोप को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, एटलीस्ट जिस दिन किया है उस दिन तो बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए ये पूरी तरह से हट गया है चेहरे से, देखिए गाइस अब फेशियल का रिजल्ट खुद देख पाएंगे। अब घर पे इसे करके देखें, आपको जब भी फेशियल करना हो यही फेशियल कीजिएगा, बाहर से महंगा बहुत पड़ जाता है, 700-800 का फेशियल आपको
यहाँ पे 10-15 रुपये में हो जाएगा और इफेक्ट भी एक जैसा मिलेगा, केमिकल फ्री है। मैंने इसे अच्छे से कर लिया है, अब इससे मैं पोंछ लूँगी। आप गाइस करके देखें इसे, आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। घर पे इतना अच्छा, घर पे ही करके इस फेशियल का आप एक अच्छा सा लाभ उठा सकते हैं, अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं एक फेशियल वाला, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गाइस, बेसन थोड़ा चिपक जाता है स्किन पे, देखिए रिजल्ट अब देख पा रहे होंगे मेरी स्किन पे कितना ग्लो आ गया। मैं आप लोगों को एकदम नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए। और एक लास्ट स्टेप आप लोगों को करना है गाइस, वो है आप लोगों को थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और अपने स्किन पे टैप टैप करके छोड़ देना है। आप इस चीज़ को फॉलो, आप कुछ भी चीज़ करते हैं जैसे स्क्रब, फेशियल क्लींजिंग, कुछ भी, उसके बाद आप इस फॉलो करिए इस स्टेप को, तो आपको 2 गुना 4 गुना आपको फ़ायदा होगा। आपको एक उसका अलग निखार आपको मिलेगा, उससे एक अलग सा रिजल्ट मिलेगा आपको अपने किसी भी चीज़ के होम रेमेडी के करने के बाद। तो गाइस चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लोगों को करना है। कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ गुलाब जल लेना है। आज मैंने पूजा किया है इसलिए मेरे मुँह से निकल जाता है बार बार पूजा का सामग्री, गंगा जल ये सब। इसमें एलोवेरा थोड़ा सा लेना है गाइस, डैप डैप कर लेना है स्किन पे। वो मेरे हाथ पे थोड़ा सा रह गया है इसलिए इस तरह डैप डैप करके छोड़ देना है। इस तरह छोड़ दें, कुछ करना नहीं है, ये आपको स्किन को अच्छा ही इफेक्ट देगा, एक टोनर का इफेक्ट देता है गुलाब जल लगा के। इसे छोड़ दें, कुछ नहीं करना है गाइस, कुछ नहीं। देखिएगा आप जब भी फेशियल करते हैं तो उसमें एक जेल का ऑप्शन देता है, तो ये वो उस जेल का काम करेगा। अच्छे से इसे सूखने दें, डैप डैप करके इसे सूखने दें। इस तरह डैप डैप करके, इतना डैप करें कि पूरा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन पर। गाइस आप इस फेशियल को करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लॉकडाउन पे प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए, फेशियल कराने के लिए इतना पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी ऐसे भी किसी का उतना व्यापार चल नहीं रहा है, किसी भी कोई भी काम कर रहा है तो उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, पूरा माहौल डिस्टर्ब हो गया है। पैसा को वेस्ट मत कीजिए गाइस, अभी कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कभी भी लॉकडाउन हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो पैसा को वेस्ट मत कीजिए। मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, अब मैं आपको अच्छे से इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छे से मैंने और थोड़ा सा डैप कर ले रही हूँ मैं। देखिए मैं आपको एकदम नज़दीक से रिजल्ट दिखा रही हूँ, देखिए ग्लो कितना अच्छा ग्लो आया है इस फेशियल को करने के बाद। देखिए गाइस मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा नीचे पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है इसलिए आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखा पा रहा था, तो मैं लाइट पे आ गई हूँ। ये देखिए, आप लाइट में भी नहीं देखिएगा तो तब भी मेरे चेहरे पे आप ग्लो देख पाइएगा। देखिए आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप पहले वाला जो मैंने वीडियो पहले जो मैंने स्टार्ट किया था उस समय का देख लीजिए और अभी का ग्लो देख लीजिए। तो गाइस आप इसे फॉलो करें, अपने
अपने घर पे ही फॉलो करें, जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह फॉलो करें तो आपको बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा और ऐसा ही ग्लो मिलेगा आप लोगों को। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई चैनल, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये फेशियल हो घर पे करने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।